Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of the available time by studying during this free time. If you're not a student of Elite Tutorials and want the images of the textbook, you may call us on 9699-599-299 and we shall mail it to you. Also, at the end of these lectures, if you have any doubts, you can mark those doubts and we shall discuss the same in our live doubt solving lectures. Alright, now, in the last video, we had started with the chapter Physical Quantities and Measurement aur humne discuss kiya tha, density kya hota hai, density ka formula kya hai, अलग अलग चीजों का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं इफ इट इज अ रेगुलर सॉलिड और इरेगुलर सॉलिड एंड देन वी आल्सो सॉ यूजिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई वुड से इंस्ट्रूमेंट्स और मे बी डिवाइसेस आई वुड से वन वाज मेजरिंग सिलेंडर अनदर वाज यूरेका कैन और फिर कैसे डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग अ डेंसिटी बॉटल. तो जो टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं वो है कि एक लिक्विड का डेंसिटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा डेंसिटी बॉटल यूज करके. अब डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डेंसिटी बॉटल पढ़ लेते क्या होता है. ठीक है, सो यहां पर ये एक डेंसिटी बॉटल है. ऑफ कोर्स इट कुड बी मेड अप ऑफ एनी मेटल, इट कुड बी मेड अप ऑफ ग्लास. तो ये एक डेंसिटी बॉटल है, ये इसका नेक है, दिस इज द मेन पोर्शन वेयर द लिक्विड इज स्टोर्ड. ये इसका नेक है और यहाँ पे ऊपर स्टॉपर है. ठीक है, सो द स्टॉपर इज इंसर्टेड और ये जो डेंसिटी बॉटल है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी बोलते हैं. सो द डेंसिटी बॉटल और द रिलेटिव डेंसिटी बॉटल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल. ठीक है, तो अब यहां पर मैंने लिखा है 50 ml. तो मतलब ये जो बॉटल का कैपेसिटी है वो 50 ml है. मतलब तुम इस बॉटल में 50 ml से ज्यादा लिक्विड फिल कर ही नहीं सकते हो. 50 से ऑफकोर्स कम कर सकते हैं लेकिन 50 से ज्यादा स्टोर नहीं होगा. तो जब हमको एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए होता है विदाउट हैविंग टू मेजर इट, मतलब बिना मेजर किए मुझे ये इंश्योर करना है कि उसमें लिक्विड उतना ही है, तो उसके लिए हम डेंसिटी बॉटल यूज करते हैं. ठीक है, तो डेंसिटी बॉटल में क्या करना होता है, हमको जो भी लिक्विड है हम इस डेंसिटी बॉटल में पूरा फिल कर देंगे. और पूरा फिल करने के बाद क्या करना है, पूरा एकदम टॉप तक फिल कर दिया है, एकदम यहां तक मतलब, और फिर उसके ऊपर स्टॉपर लगा देना. जब हम स्टॉपर लगाएंगे तो क्या होता है ना, स्टॉपर में होल होता है, ये होल से जो भी लिक्विड होगा वो गिर जाएगा. तो व्हेन वी प्रेस द स्टॉपर जितना भी एक्सेस लिक्विड होगा, एक्सेस मतलब 50 ml के अलावा, 50 ml से ज्यादा जो भी लिक्विड होगा वो उस स्टॉपर के बीच में होल होता है, तो वो होल से होते हुए बाहर गिर जाएगा. ठीक है, तो जितना भी लिक्विड गिर गया ऑफ कोर्स यू कैन वाइप इट ऑफ, उसको साफ कर दो, उसको पोंछ दो, और जितना भी लिक्विड अंदर बच गया डेंसिटी बॉटल में वो 50 ml ही होगा. ठीक है, सो एकदम सिंपल है, इसमें कुछ मेजर करके 50 ml डालने की जरूरत नहीं है. तुम लिक्विड को पूरी तरह से उसके अंदर डाल दो, पूरा टॉप तक फिल कर दो, स्टॉपर डालो, प्रेस करो, एक्सेस लिक्विड बाहर गिर जाएगा, जितना लिक्विड अंदर बच गया दैट वुड बी 50 ml. तो डेंसिटी बॉटल अलग अलग वॉल्यूम के भी आते हैं, जैसे 50 ml है, 100 ml आता है, 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml. तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटी इट इज पॉसिबल टू हैव एनी डेंसिटी बॉटल ऑफ एनी डिफरेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो इन शॉर्ट इसका काम यह होता है कि बिना मेजर किए हमको अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चाहिए तो डेंसिटी बॉटल इज द बेस्ट ऑप्शन. ऑलराइट, नाउ तो अभी हमको क्या करना है इस टॉपिक में, हमको एक लिक्विड का डेंसिटी फाइंड आउट करना है डेंसिटी बॉटल को यूज करके. तो डेंसिटी बॉटल को यूज करके लिक्विड का डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं. अब ये ध्यान में रखना है कि डेंसिटी बॉटल में सपोज 50 ml का डेंसिटी बॉटल है, मतलब इसका कैपेसिटी 50 ml का है, तो इसमें तुम वॉटर डालो, लिक्विड डालो, कोई भी लिक्विड, केरोसिन हो, मिल्क हो, एल्कोहल हो, मर्क्यूरी हो, कोई भी लिक्विड, पानी, मिल्क, एल्कोहल, केरोसिन, कोई भी 50 ml ही आएगा, 50 ml से ज्यादा नहीं आ सकता है. ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल, जैसे हमारे पास आधा लीटर का बॉटल होता है, तो आधे लीटर के बॉटल में तुम पानी डालो या ऑयल स्टोर करो या केरोसिन रखो या एल्कोहल डालो, आधा लीटर है मतलब आधा लीटर ही स्टोर होगा लिक्विड, आधा लीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकता है. तो हमको ये टॉपिक पढ़ने के पहले ये ध्यान रखना है कि जो डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम है उतना ही इसमें पानी भी आएगा और उतना ही इसमें कोई भी लिक्विड आएगा. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ बॉटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. तो जिस लिक्विड का हम डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं वो जब हम इस बॉटल में स्टोर करेंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना हम इस बॉटल में पानी स्टोर करेंगे, और दोनों का वॉल्यूम उतना ही है जितना बॉटल का वॉल्यूम है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, द वॉल्यूम ऑफ बॉटल, वॉटर एंड द लिक्विड हुज डेंसिटी इज टू बी मेजर्ड, तीनों का वॉल्यूम सेम होगा. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है ना, पहले इसमें डेंसिटी बॉटल को अच्छे से डिस्टिल वाटर डालना है, अच्छे से साफ कर देना है, पूरा पूरा पानी गिरा देना है, डेंसिटी बॉटल को पूरा ड्राई करना है, ड्राई करना है तो एकदम सुखा देना है, अंदर बाहर पूरी तरह से सूख जाना चाहिए. सूख जाने के बाद इस डेंसिटी बॉटल को
फिजिकल बैलेंस पे रख के वे करना है कि मतलब इसका वजन कितना है। तो हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल के पूरा अच्छे से साफ कर दिया और फिर उसको पूरी तरह सुखा देना है अंदर बाहर से, और फिर इस एम्प्टी डेंसिटी बॉटल को वे करना है इसका वजन कितना आता है। ठीक है, सो मैं लिखूंगा मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बॉटल को हम ले लेते हैं M1 ग्राम। ठीक है, तो जो एम्प्टी डेंसिटी बॉटल को हमने वे किया, जिसका वजन किया, उसके मास को ले लेते हैं M1 ग्राम। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें जो खाली डेंसिटी बॉटल है उसमें हम पूरी तरह से पानी भर देंगे टॉप तक। ठीक है, पूरा एकदम टॉप तक भर देना है, फिर स्टॉपर लगा के प्रेस कर देना है। तो स्टॉपर लगा के जब प्रेस कर देंगे तो जितना भी एक्सेस पानी होगा वो पूरा बाहर गिर जाएगा। जब बाहर गिरेगा तो उसको कपड़े से अच्छे से साफ कर देना है, बाहर जितना भी पानी गिरा है। यू नीड टू वाइप ऑफ द वॉटर विच हैज ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द डेंसिटी बॉटल, तो उसको पूरी तरह से पोंछ देना है, साफ कर देना है। और फिर इस डेंसिटी बॉटल को जिसमें पानी है 50 ml ही होगा ऑफकोर्स, तो इसको फिजिकल बैलेंस पे रख के वे करना है। ठीक है, तो पहले जब हमने वे किया तो वो था सिर्फ खाली डेंसिटी बॉटल। अब हमने उस डेंसिटी बॉटल में पानी डिस्टिल्ड वाटर रख दिया है, और डिस्टिल्ड वाटर 50 ml होगा अगर हमने 50 ml का बॉटल लिया है, तो उसमें अब पानी है, तो पानी के साथ डेंसिटी बॉटल का कितना वजन आता है वो फाइंड करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट विल बी मास ऑफ बॉटल विथ वाटर। तो पानी के साथ कितना वजन है, सपोज उसको ले लेते हैं M2 ग्राम। ऑलराइट, तो जब सिर्फ मतलब खाली बॉटल था तो M1 ग्राम, उसमें पानी डाल दिया, स्टॉपर प्रेस कर दिया, एक्सेस पानी गिर गया, अच्छे से साफ कर दिया, फिर फिजिकल बैलेंस पे रखे वे किया, सपोज M2 ग्राम आया। अब क्या करना है, इसमें से पूरा पानी गिरा देना है, डिस्टिल्ड वाटर डाल के साफ कर देना है, पूरी अच्छे तरह से सुखा देना है। सुखा देने के बाद इसमें वो लिक्विड डालना है जिसका डेंसिटी हमको मेजर करना है। ठीक है, तो ये वाटर वाला पार्ट हो गया, तो पूरा पानी गिरा दो, डिस्टिल्ड वाटर डाल के अच्छे से पूरा साफ कर दो, अंदर बाहर पोंछ के पूरी तरह से सुखा के, लेट इट ड्राई, और सूख जाने के बाद इसमें वो लिक्विड डालना है जिसका डेंसिटी हमको मेजर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस डेंसिटी बॉटल में वो पूरा लिक्विड डाल देंगे। सेम प्रोसेस है, पूरा लिक्विड ऊपर तक भर देना है, स्टॉपर को प्रेस करना है, स्टॉपर प्रेस करेंगे तो एक्सेस लिक्विड बाहर गिर जाएगा, एक्सेस लिक्विड को साफ कर देना है, पोंछ देना है, और जब पूरी तरह से साफ हो जाए तो अब इस डेंसिटी बॉटल को जिसमें लिक्विड है फिजिकल बैलेंस पे रख के वे करना है। ठीक है, तो अब बॉटल का वजन फाइंड करना है लिक्विड के साथ। ठीक है, तो पहले सिर्फ बॉटल था एम्प्टी, दूसरे केस में था बॉटल विथ वॉटर, नाउ इन द थर्ड केस इट इज बॉटल विथ लिक्विड। ठीक है, सो हम लिखेंगे यहां पे मास ऑफ बॉटल विथ लिक्विड, सपोज इट इज M3 ग्राम। ठीक है, कोई M3 वैल्यू आया, ठीक है, इट कुड बी एनी वैल्यू, तो M3 ग्राम आया। ठीक है, तो हमको अलग अलग एक एम्प्टी डेंसिटी बॉटल, एक बॉटल विथ वॉटर और एक बॉटल विथ लिक्विड का वजन पता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, हम इसमें से फाइंड करते हैं मास ऑफ वॉटर, सिर्फ पानी का वजन कितना है। ये जो वजन है ये सिर्फ बॉटल का है, ये जो वजन है ये बॉटल और पानी दोनों का है। तो अगर सपोज मान लेते, एक वैल्यू ले रहा हूं, ये हमको लिखना नहीं है और ना ही ये ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू है, दिस इज जस्ट फॉर आवर एक्सप्लेनेशन। सपोज ये सिर्फ जो एम्प्टी बॉटल था ना, इसका वजन था 10 ग्राम, पानी डाला तो वजन आया 30 ग्राम, और लिक्विड आया डाला जब भी तो वजन आया 40 ग्राम। ठीक है, सो ये खाली मैं हमारे समझने के लिए वैल्यूज ले रहा हूं, ये लिखना नहीं है ना ही ये याद रखना है। ठीक है, सो खाली बॉटल का वजन 10 ग्राम, पानी के साथ डाल दिया और वे किया तो 30 ग्राम आ रहा है। मतलब इसमें 30 ग्राम में तो बॉटल का भी वजन है और पानी भी है, तो बॉटल के वजन प्लस पानी के वजन में से अगर बॉटल का वजन मैं निकाल दू, सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 10 from 30, तो अगर 30 - 10 करूं तो मतलब बॉटल विथ वॉटर में से मैं बॉटल का वजन निकाल देता हूं तो बचेगा सिर्फ पानी का वजन। ठीक है, सो हमको क्या करना है, M2 - M1 करना है। तो M2 - M1 करेंगे तो मतलब ये वाले वैल्यू में से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर बॉटल का वजन मैं इसमें से निकाल दूं तो बचेगा सिर्फ पानी, तो हम यहां पर लिखेंगे मास ऑफ वॉटर, इट वुड बी M2 - M1 ग्राम। ठीक है, तो M2 - M1 ग्राम आएगा मास ऑफ वॉटर, और हमको पता होता है कि जो पानी का डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो पानी का डेंसिटी होता है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है अगर पानी का वजन 1 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, अगर पानी का वजन 2 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब, पानी का वजन अगर 10 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वी नो फॉर 1 ग्राम ऑफ वॉटर द वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पे M2 माइनस M1 ग्राम पानी है तो M2 माइनस M1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी होगा। जैसे 1 ग्राम पानी तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 2 ग्राम पानी तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 5 ग्राम पानी तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, तो M2 माइनस M1 ग्राम पानी M2 माइनस M1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। सो पानी का वॉल्यूम कितना है यहां पे, विल राइट वॉल्यूम ऑफ वॉटर will be M2 minus M1 centimeter cube, because volume का unit होता है centimeter cube, ठीक है। तो M2 minus M1 centimeter cube आ गया, ये है volume of water, और हमको पता होता है जो volume of water है वो volume of bottle के जितना है, और वही volume of liquid भी है, क्योंकि हम उसी bottle में liquid भी डाल रहे हैं और उसमें पानी भी डाल रहे हैं, तो पानी अगर 50 ml आया है तो लिक्विड भी 50 ml ही आएगा। अगर पानी 100 ml, अगर ये बॉटल 100 ml का है तो पानी 100 ml है तो लिक्विड भी 100 ml आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी नथिंग बट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आल्सो एंड वॉल्यूम ऑफ बॉटल आल्सो, ठीक है। तो यहां तक हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इट इज M2 माइनस M1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ बॉटल या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखता हूं, कि लिक्विड हमको काम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी होगा M2 माइनस M1 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज उसी बॉटल में हमने लिक्विड को भी डाला है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया। अब जैसे हमने यहां पर फाइंड किया है मास ऑफ वाटर, वैसे मास ऑफ लिक्विड फाइंड कर लेते हैं। मास ऑफ लिक्विड, तो मास ऑफ लिक्विड के लिए क्या करेंगे, ये था बॉटल विथ लिक्विड एंड दिस इज ओनली बॉटल, तो बॉटल और लिक्विड का वजन में से अगर मैं बॉटल का वजन हटा दूं तो सिर्फ लिक्विड बचेगा। सो बॉटल एंड लिक्विड में से अगर मैं बॉटल हटा देता हूं तो सिर्फ लिक्विड का वजन बचेगा, तो हमको करना है 40 माइनस 10, तो मतलब M3 माइनस M1 ग्राम, इट विल बी M3 माइनस M1 ग्राम, ऑलराइट। तो मास ऑफ लिक्विड आ गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया, अब हमको डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये वैल्यू मैं हटा देता हूं, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे डेंसिटी of liquid is equals to mass of liquid upon volume of liquid, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड कितना है, मास ऑफ लिक्विड इज M3 माइनस M1, तो M3 माइनस M1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट M2 माइनस M1, राइट M2 माइनस M1, और यूनिट रहेगा मास है तो ग्राम में है, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में, सो यूनिट विल बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमको लिक्विड का डेंसिटी मिल जाएगा। So this is how we can calculate the density of liquid. The formula is M3 minus M1 upon M2 minus M1. M3 minus M1 मतलब mass of liquid minus mass of empty density bottle. In fact, M3 is mass of liquid and bottle minus mass of bottle. So in short, it is only mass of liquid upon M2 minus M1 is nothing but mass of water. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था, तो वही value same centimeter cube में भी convert हो जाता है. So this is how we can calculate the density of liquid using a density bottle, ठीक है? So ये एक topic था, उसके बाद we continue with the next topic, that is relative density.
let's proceed with the next topic, relative density. रिलेटिव डेंसिटी, अब क्या होता है ना कि अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग डेंसिटी का वैल्यू है, और हमको ये पता होता है कि एल्यूमिनियम इज हेवियर देन आइस और हेवियर देन वुड, एंड एल्यूमिनियम इज लाइटर देन आयरन. तो एल्यूमिनियम वुड से हैवी है लेकिन आयरन से हल्का है. अभी अगर मेरे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं और मुझे सबका कंपेरिजन करना है डेंसिटीज का, तो सबका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और सबका वैल्यू याद रखना इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो इतने सारे सब्सटेंसेस का अगर मुझे डेंसिटी कंपेयर करना है विद वन अनदर, तो मुझे सबका वैल्यू याद होना चाहिए, और सबका वैल्यू याद करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो हम क्या करते हैं, सारे सब्सटेंसेस की डेंसिटी को वॉटर के रिलेशन में फाइंड करते हैं कि कैसा है, ठीक है, बिकॉज वॉटर सबसे ज्यादा कॉमन सब्सटेंस है, हर जगह अवेलेबल होता है. तो हम क्या करते हैं, सारे सब्सटेंस की डेंसिटी को वॉटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं. तो वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करने पर, तो सब्सटेंस का डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करने पर जो क्वांटिटी आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. यूजुअली ये जो हम फॉर्मूला लेते हैं वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है उसका डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, तो इसलिए हम 4 डिग्री सेल्सियस वाला ही लेते हैं. सो कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी अपॉन पानी का डेंसिटी विल गिव अस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. ये जो आरडी मिल रहा है, जो रिलेटिव डेंसिटी मिल रहा है, वो सब्सटेंस का मिलता है. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं फाइंड कर रहा हूं आरडी ऑफ सपोज आयन, आरडी ऑफ आयन फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब डेंसिटी ऑफ आयन लिखूंगा मैं. अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ आयन, डेंसिटी ऑफ आयन इज अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूं तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पानी का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 7.8 अपॉन 1 इज 7.8, और ये दो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इट्स कैंसिल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद 7.8. ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं आता, ये ध्यान देना है. डेंसिटी का यूनिट होता है डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगेन डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन दोनों डेंसिटी का यूनिट कैंसिल हो जाता है, और दोनों डेंसिटी का यूनिट कैंसिल हो जाने की वजह से रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है. सो रिलेटिव डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. देन तो अभी जो वैल्यू आया 7.8, तो इफ आई से आरडी ऑफ आयन और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयन इज 7.8, इसका मतलब है जो आयन है वो पानी से 7.8 टाइम्स हेवी है. मतलब सपोज मैंने पानी का वॉल्यूम लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब और आयन का भी लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं वॉल्यूम दोनों का सेम ले रहा हूं, तो पानी का 1 सेंटीमीटर क्यूब और आयन का 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का वजन सेम नहीं रहेगा. पानी का जितना भी वजन है उससे 7.8 टाइम्स ज्यादा आयन का वजन रहेगा. सो दिस वैल्यू इंडिकेट्स दैट मेनी टाइम्स द सब्सटेंस इज हेवियर देन वॉटर. अगर 5 आया तो 5 टाइम्स हेवियर देन वॉटर, अगर 2 आया तो ट्वाइस द हेवियर और 2 टाइम्स हेवियर देन वॉटर, अगर 1 से छोटा आया तो इट इज लाइटर देन वॉटर. जैसे अगर हम बात करते हैं वुड की, तो वुड का डेंसिटी अराउंड होता है 0.8, तो दिस विल बी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.8 अपॉन 1 इज 0.8. तो जब कभी रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू 1 से छोटा आता है तो वो सब्सटेंस पानी से हल्का है, 1 से ज्यादा आता है तो वो सब्सटेंस पानी से हैवी है. हम यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला यूनिट्स भी ले सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब वाला भी ले सकते हैं. जैसे अगर मैं मर्क्यूरी का आरडी फाइंड करूं, सो इट विल बी डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो मर्क्यूरी का डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में है 13,600. अगर यही मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लूं तो इट विल बी 13.6. लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर तुम न्यूमरेटर में जो डेंसिटी ले रहे हो वो केजी पर मीटर क्यूब में है, तो डिनोमिनेटर वाला भी केजी पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा.
अगर न्यूमरेटर में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक जगह अलग यूनिट लिया दूसरी जगह अलग यूनिट लिया, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मर्क्यूरी का डेंसिटी। और पानी का डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में होता है 1000, तो अगेन दिस यूनिट विल गेट कैंसिल्ड एंड 13600 अपॉन 1000 विल गिव अस 13.6। तो आरडी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 implies mercury is 13.6 times heavier than water. तो पानी से 13.6 times ज़्यादा heavy है mercury. तो अगर RD का value किसी भी substance का 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो पानी से भारी है, पानी से heavy है। अगर 1 से कम आ रहा है तो वो पानी से हल्का है, और अगर 1 ही आ रहा है मतलब वो पानी ही है, तभी तो density of water upon density of water cancel करके 1 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। उसके बाद ये जो formula है इसको हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू या अलग अलग टाइप में हम इसको याद रख सकते हैं। अब हमको पता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैंने दोनों ही सब्सटेंस का मतलब दोनों सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस और वॉटर दोनों ही चीजों का वॉल्यूम 1 cm³ लिया। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सपोज ये सब्सटेंस का है और ये वाटर का है। अगर मैं दोनों का ही वॉल्यूम 1 ले रहा हूं, तो वॉल्यूम अगर मैंने सब्सटेंस का भी 1 cm³ लिया, पानी का भी 1 cm³ लिया, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब अपॉन 1 इज नॉट नीडेड, नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटन। ठीक है, तो डेंसिटी जो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने 1 cm³ लिया है सब्सटेंस का भी और वाटर का भी, तो दोनों जगह 1 हम हटा देंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेंसिटी के जगह मास अपॉन वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इज 1, तो मैं लिखूंगा डेंसिटी इज नथिंग बट मास ऑफ द सब्सटेंस या फिर मास ऑफ 1 cm³ ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं, तो वो फ्रेमिंग करने में भी करेक्ट रहेगा। सो इट इज, हमने यहां पर मतलब 1 लिया है वॉल्यूम, दोनों जगह 1 लिया, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो व्हेन वी टेक वॉल्यूम 1, तो आई विल राइट मास ऑफ 1 cm³ ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि जब हम इसको अपॉन 1 लिखेंगे तो ये एम एस ही बचेगा और ये एम डब्ल्यू ही बचेगा। ठीक है, तो आई विल राइट मास ऑफ 1 cm³ ऑफ सब्सटेंस ये अपॉन मास ऑफ 1 cm³ ऑफ वॉटर, बिकॉज हमने पानी का भी 1 लिया था वॉल्यूम, सो इट कैन बी रिटन एज मास ऑफ 1 cm³ ऑफ वॉटर। ठीक है, तो अगर हमने वॉल्यूम 1 और 1 लिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अगर मैंने वॉल्यूम दोनों का कोई भी वैल्यू हो, 1 ना हो बट कोई भी वैल्यू हो बट सेम लिया है, तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे जो न्यूमरेटर है बहुत ध्यान से देखना है, इसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के जगह मैं लिख सकता हूं मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ये सिर्फ न्यूमरेटर के लिए लिखा, अपॉन तो ये बड़ा वाला अपॉन देता हूं मैं डेंसिटी ऑफ वॉटर, डेंसिटी ऑफ वॉटर का फॉर्मूला होता है मास ऑफ वॉटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉटर, तो यही फॉर्मूला हम उसके लिए भी लगाएंगे मास ऑफ वॉटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉटर। तो अगर हमने दोनों 1-1 लिया था तो ये दोनों हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं 1 ना लूं लेकिन कोई भी वैल्यू लूं बट सेम, तो जब दोनों ही वैल्यू सेम है मतलब 5 cm³ लिया दोनों, या दोनों 15 लिया, या दोनों 40 लिया, या दोनों 100 लिया, कोई भी वैल्यू ले रहा हूं 1 नहीं लेकिन सेम, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो सकता है। तो जैसे मैंने दोनों 1-1 लिया तो एक तरीके से दोनों कैंसिल आउट ही हो गया, तो V अगर दोनों का वॉल्यूम सेम ले रहा हूं मैं तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर सपोज मैं दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं लेता हूं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको ये सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने सब्सटेंस का और वॉटर का दोनों का वॉल्यूम सेम लिया तो वो कैंसिल हो जाता है। तो वॉल्यूम सेम कैसे ले सकते हैं, डेंसिटी मॉडल को यूज करके। तो जो भी सब्सटेंस है, तो लिक्विड है अगर, ऑफ कोर्स, तो उसको डेंसिटी बॉटल में ले लो और पानी को भी डेंसिटी बॉटल में ले लो, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज, इधर तो 1-1 था बट वॉल्यूम इक्वल लेंगे तो भी तो मास पर ही डिपेंड करेगा, बिकॉज वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है। सो मास ऑफ 20 cm³ ऑफ वॉटर ऑफ सब्सटेंस इन फैक्ट अपॉन मास ऑफ 20 cm³ वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम ले रहे हैं लेकिन दोनों का सेम लेंगे, जितना पानी का लेंगे उतना ही सब्सटेंस का लेंगे, अगर अलग लेंगे तो फिर कैंसिल नहीं होगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सेम ले लिया तो फायदा है कि वॉल्यूम हट जाता तो सिर्फ मास बचता है, तो मास ऑफ v लिख रहे हैं मतलब दोनों का वॉल्यूम जो भी हमने वैल्यू लिया है v और v ही है, इट कुड बी 1-1, इट कुड बी 10-10, इट कुड बी 5-5, इट कुड बी 20-20, व्हाटएवर इट इज। ठीक है,
और जब वॉल्यूम कैंसिल ही हो गया तो अल्टीमेटली बचता है सिर्फ मास, तो ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं एम एस अपॉन एम डब्ल्यू, ठीक है. सो आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मतलब कोई भी वॉल्यूम हमने सब्सटेंस का लिया है, ध्यान से देखना मैं क्या फ्रेम कर रहा हूं. मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, मतलब हमने सब्सटेंस का कोई भी वॉल्यूम लिया लेकिन उतना ही वॉल्यूम पानी का भी लेंगे, तभी तो जाके कैंसिल होगा. तो ऐसा कंपल्शन नहीं है कि कौन सा वैल्यू लेना है, वैल्यू कोई भी लो सब्सटेंस का लेकिन उतना ही पानी का भी वॉल्यूम लो ताकि दोनों कैंसिल हो जाए, ठीक है. सो मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम हो, अपॉन मास ऑफ वॉटर ऑफ द सेम वॉल्यूम. तो जितना तुमने सब्सटेंस का वॉल्यूम लिया है उतना ही पानी का भी वॉल्यूम ले लो, और उतना ही पानी का भी वॉल्यूम ले लोगे तो ये दोनों वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ मास, ठीक है. वैसे फिर मास अपॉन मास भी करोगे तो ग्राम और ग्राम कैंसिल ही होने वाला है, या केजी अपॉन केजी भी कैंसिल होगा, तो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी यूनिट. तो याद रखना है कि आरडी का कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होता है. इसका दो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है. सो दीज टू फॉर्मूले आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है आरडी ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वाला याद रखना है मास ऑफ सब्सटेंस ऑफ सर्टेन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम. एंड इनफैक्ट यहां पर भी टेम्परेचर, मतलब हर जगह जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस वाला ही लेना है. हो सकता है बुक में 4 डिग्री सेल्सियस ना भी दिया हो, दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो भी चलेगा, जो बुक में है हम वही फॉलो करेंगे. बट यूजुअली व्हाट इज रिटन इज 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. तो ये है आरडी, आरडी का कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखना है. और आरडी का मतलब होता है हम सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है पानी के रिलेशन में, पानी से हैवी है या पानी से लाइट है. और तो हमको आइडिया आ जाता है कि हाउ दैट सब्सटेंस, हाउ हैवियर और हाउ लाइटर द सब्सटेंस इज एज फार एज वाटर इज कंसर्न. ऑलराइट, तो ये सब हमको इस वीडियो में करना था. स्टिल many topics to go in this chapter. तो जितना भी हमने यहाँ तक किया है, हमने पढ़ा है relative density तक, ठीक है. ये याद रखना कि relative density को specific gravity ही बोलते हैं, ठीक है. So relative density तक read करके रखो, एकदम अच्छे से read करना. अगर textbook नहीं है अभी तक तो you may call us on, I'll write here 9699599299, ठीक है. So if you don't have the textbook yet, you may call us on this number and we shall mail it to you. Alright? So textbook अच्छे से read करो related density topic तक, ठीक है. और अगर कुछ नहीं समझा है, you may watch the video again. Video देखने के बाद और textbook read करने के बाद भी कुछ नहीं समझ रहा है, तो you can mark those doubts. We shall discuss the same in the live doubt solving lecture once the chapter gets completed. Alright? तो textbook reading बहुत important है. वीडियो देखो, नहीं समझता तो डाउट्स को मार्क करके रखो, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा. ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से और एक दो वीडियो तो लगेगा ही, बिकॉज काफी कुछ बाकी है चैप्टर में. उसके बाद हम सारे डाउट्स भी क्लियर करवा देंगे. ऑलराइट, सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर. कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. ऑलराइट, सो दैट्स इट. थैंक यू एंड बाय बाय.